समाजवादी पार्टी के महासचिव और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जल निगम में भर्ती घोटाले के सिलसिले में आजम खान के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ है। यूपी पुलिस की एसआईटी ने आजम के खिलाफ एफआईआर के लिए राज्य सरकार से इजाजत मांगी थी। सरकार की अनुमति मिलते ही आजम खान समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धारा 409, 420, 120 बी, 201 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के ऊपर जल निगम की जिम्मेदारी भी थी। जल निगम में 1300 पदों पर भर्ती के दौरान घोटाले के आरोप लगे थे। एफआईआर होने के बाद आजम खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। क्या कर सकते, नौकरी दी है भाई, नौकरियां दी हैं, कोई करप्शन का चार्ज नहीं है हमारे ऊपर या उस वक्त किसी अधिकारी के।